हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बस ये जहाँ से हम लोग ने ब्लॉग ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करते हैं फिर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मार्केट के लिए, कुछ चीज़ें लेनी थी अंजलि को भी, तो हम लोग बस जा रहे हैं। मैंने कभी बच्चे को मैं ले रही थी, कभी अंजलि ले रही थी, क्योंकि हम दोनों का हाथ जो है दर्द होने लग रहा था। क्योंकि जानते हो वैसे जेंट्स लोग रहते हैं तो सही रहता है, और बहुत ज़्यादा पहली बार मैं इस तरह से बाहर निकली हूँ फ्रेंड्स अपने सिस्टर के साथ, वरना मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा रहता था जिसके साथ मैं जाऊं तो लगे सेफ्टली है। वैसे अपने आप भी कहीं ना कहीं आना जाना चाहिए, सब चीज़ आना चाहिए ना वरना। लेकिन मैं बता रही हूँ हम लोग निकले तो थे बड़ा शौक से, लेकिन भटक गए थे इधर उधर। मतलब जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ों की दुकान ही नहीं मिल रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि वो दुकान है तो कहाँ है, कहाँ जाएँ लेने। तो इसीलिए लग रहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी हम दोनों ने अकेले आके। जितनी जो चीज़ें मिली वही चीज़ लेके बस चले आए, क्योंकि रात भी बहुत हो रही थी। 6:30 बजे तक हम लोग घर पहुंचे थे, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम लोग घर के लिए निकल लिए, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाती तो फिर और दिक्कत होती और डर लगता। मुझे तो बहुत डर लगता है बाहर अकेले चलने पे सच में। तो बस इसी तरह तो कुछ था हम लोग का बीत गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग को क्यों नहीं दिखा रही, क्या लेके आई हैं क्या नहीं, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, लास्ट में आपको ज़रूर मैं दिखाऊँगी, देखने को मिलेगा कि मैं क्या क्या लेके आई वहाँ से, अभी मैं दिखाऊंगी लास्ट में। तो ये देखिए, इसको भूख भी लग गई थी तो इसको जो है पिला रही है दूध अंजलि, और इस तरह सा कुछ नज़ारा है अपना, देख सकते हो आप लोग कितनी सारी दुकानें जो है लगी हुई हैं, सजी हुई हैं, अच्छा लगता है ना। तो बस अब आप ब्लॉग ब्लॉग के साथ बने रहिए, और मैं मिलूँगी अब आप लोग को डायरेक्ट घर पर ही। बस थोड़ा बहुत जो बाहर का मैंने शूट कर पाया, यहाँ देखो इस तरह से चौराहे पर देखिए बना हुआ है, बहुत बढ़िया प्रयागराज अब बना दिया गया है, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा बना दिया है प्रयागराज को। फ्रेंड्स रात हो गई है और यहाँ पे अंजलि हमको तेल, मेरे बाल सफ़ेद हो गए ना, अंजलि मुझे ऑयल लगा रही है, इसके बाद मैं अंजलि को ऑयल लगाऊंगी, और ये कह रही है कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ, और देखते कैसा तेल लगाती है। हम लोग ने सोचा हम लोग के बाल की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, अपने से जैसे तैसे लग जाता है ना, तो एक दूसरे का लगाया जाए। इतने लंबे बाल है कम से कम, ये देखिए ये ऐसे ठोक ठोक के लगाती हैं, पता नहीं कितना मेरा दिमाग तेज करेंगी। अब हम बच्चे नहीं रहे कि हमारा दिमाग तेज कर रही हो। तुम्हारा दिमाग कभी कभी कम हो जाता है ना, इसलिए तेज कर रहे हैं ताकि कम ना होने पाए। चक्कर लो, अभी हम देखो कितना तेज करते हैं। अच्छा देखेंगे। अरे बिंदी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। छोटी सही लगती है मेरे ऊपर की बड़ी? छोटी अच्छी लगती है। एक तो हम इतना बड़ा खरीदे मुंबर, कल लगाएंगे देखना फिर कैसा कैसे लगता है वो बताना। लगोगे वो दुर्गा माँ? दुर्गा माँ तुम ज्यादा दिन रुको, रुकती ना 2-3 दिन और, तो दुर्गा माँ वाला मेकअप करते हैं। नहीं कल आएंगे लेने। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरे बालों में इन्होंने तेल लगा दिया है और चुटिया भी बना दी है मेरी। अब इसके बाल में मैं लगाने जा रही हूँ तेल, दोनों लोग एक दूसरे के बालों में तेल लगाएंगे और खूब मस्त वाली नींद लेंगे, और फिर सुबह मिलेंगे आप लोगों से। वैसे तो ये कल चली जाएगी, लेकिन सुबह वर्कआउट जितना भी टाइम रहेगा देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, क्या नहीं करते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में, अब मिलेंगे सीधा मॉर्निंग में। अभी इसका तेल लगा दूँ मैं अच्छे से, फिर हम लोग चले जाएँगे सोने, क्योंकि फिर बैठने का ताकत नहीं रहेगा। बंद कर दो। हाँ तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के टाइम है और यहाँ पे हम लोगों ने अपने बेड का कम्बल जो है वो धो दिया है। ये कम्बल मैंने अलमारी के ऊपर रखा था, आप लोगों ने देखा होगा, तो धो दिया क्योंकि जाड़ा जो है ना वो शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा हेल्प कराई हमारे हस्बैंड ने आज हमारी, क्योंकि हमसे तो होता ही नहीं। डुगू डुगू, मुँह में क्या लगा है तुम्हारे? अरे डुगू भाग गया टॉर्च देख के, कैमरे के सामने नहीं आता है डुगू, जान रहा है मेरी फोटो ले रही है, मुँह छुपा रहा है। डुगू फोटो लगा लो, फोटो दिखा दो अपनी, अपनी फोटो ले लो।
क्यों मीटिंग कब से है? हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने मॉर्निंग में अपने पर्दे भी सारे धो डाले थे। जो यहाँ पीछे वाले दरवाजे पे लगा था पर्दा वो भी धो दिया था, और जो आगे कमरे में पर्दा लगा था वो भी अपने हस्बैंड जी से उतरवा के धो दिया था। वो तो उन्होंने टांग दिया, लेकिन ये टांगने की जिम्मेदारी मेरी है। तो यहाँ अब की मैं ना दूसरे तरीके से टांगूँगी। मतलब वो उस तरह से लटका लटका रहता था, अजीब रहता था। तो रस्सी मैंने नाप ली है और बस इस तरह से पर्दे को जो है फोल्ड करके और इसमें रस्सी डाल दूँगी, जो इसका ये क्षेत्र बना हुआ है रॉड लगाने वाला, इसी में रस्सी डाल के और इसको बांध दूंगी टाइट से। बस पर्दा मेरा लग जाएगा, रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आज बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई थी, अभी से कर रही हूँ। और अभी जो है दिन के 1:30 बज रहे हैं, और आज क्या कहते हैं अंजलि जो है जाने वाली है, मेरी सिस्टर। और मेरे जो बाबू है वो देखो क्या कर रहा है वहाँ पर्दे में बैठ के। अरे पर्दा मेरा टिके रहने दो, मेरा पर्दा टिके रहने दो, मैंने अभी लगाया है, नोच नाच के बराबर कर दो ये क्या। अरे कहाँ जाना है तुमको गंदगी में। अरे अब इसको मुझे पकड़ना पड़ेगा। माना की दुनिया में हर कदम पे धोखा है और पे नहीं, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा। क्या आ रहा है वीडियो में, हम तो भूल ही गए कि चड्ढा नहीं पहना है ये। चड्ढा नहीं पहना है भैया, सब देख लेंगे। अरे भैया सब देख लेंगे। जय हो। हेलो गाइज, हम लोग जा रहे हैं शाम के टाइम इस समय कहीं पे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग को जल के ही पता चलेगा। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये वाली साड़ी पहनी और अंजलि ने जो है रेड वाली साड़ी पहनी, जो कि दिख नहीं रही है क्योंकि उसने अपने बेबी को पकड़ा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं, आप लोग को भी लेके चलते हैं, हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दोनों जो है आराम से फ्री होके चल रहे हैं। और बेबी कहाँ है आप लोग सोच रहे होगे, तो चलो दिखाती हूँ बेबी कहाँ है आप लोग को। तो बेबी जो है वो हमारे हस्बैंड जी लेके आगे आगे चल रहे हैं, यही आराम रहता है एक जेंट्स रहने से। वो जो है अपना आगे आगे लेके चल रहे हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा रोड दिखाने लगी थी, तो वो देखिए वो अपना आगे लिए 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 भागे जा रहे हैं उसको, हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो फाइनली जहाँ हम लोग को आना था अपनी डेस्टिनी, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और बस यहाँ पर खाएँगे पियेंगे, थोड़ा सा मिलजुल के अपना चले जाएंगे। और ज़्यादा मैं कुछ दिखा नहीं सकती हूँ, जितना दिखाना था मैं दिखा दी हूँ। और बस यहाँ से हम लोग चलेंगे, इसके बाद घर पहुँच के आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई थी मार्केट से। तो ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, अभी ब्लॉग बाकी है यार, ख़त्म नहीं हुआ है अभी बिल्कुल भी, तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। हाँ तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी रोशनी कम होगी क्योंकि बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो गया, मैं जल्दी मंगा लूँगी एक बार। तो मैं अभी जो है आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेने गई थी। और ज़्यादा कुछ नहीं मिला, जैसे कि मैंने बताया था ना हम लोग दुकानें ढूंढते रह गए लेकिन मिला ही नहीं कुछ। तो अंजलि ने जो है मेरी एक शर्ट ली है अपने हस्बैंड जी के लिए, तो वो ये है, ये शर्ट ली है उन्होंने अंजलि ने अपने हस्बैंड जी के लिए। कैसी है बताइएगा, इस टाइप की है, आप लोग देख सकते हो। मुझे ज़्यादातर प्लेन शर्ट ही पसंद आती है, मुझे प्रिंटेड नहीं पसंद आती है, लेकिन अंजलि ने अपने हस्बैंड जी के लिए ये वाली शर्ट ली है, प्रिंटेड ली है। और मुझे हमेशा ज़्यादातर मेरे को ना ऐसे वाइट, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, इस टाइप की प्लेन शर्ट पसंद आती है, मतलब अपनी अपनी पसंद होती है। इसके बाद एक बेडशीट ली है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से बेड शीट है। और
मुझे बहुत अच्छी लगी ये बेडशीट। और इसका पूरा जो मैं दिखाती हूँ आपको बिछने के बाद, ये इस तरह से आएगा जब ये बिछेगा। तो अभी बिछ नहीं रहा है, जब बिछेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो देखिएगा। तो ये मैंने लिया है, बस इतनी चीज़ मैं खरीद पाई थी इतने देर में, और कुछ भी नहीं ले पाए हैं। और एक दो चीज़ मुझे मंदिर के लिए अपने लेना है, क्योंकि उसका कपड़ा, लाल वाला कपड़ा वगैरह सब ख़राब हो गया, तो वो सब लेना है। तो देखिए लूँगी, बने रहिएगा आप लोग मेरे चैनल के साथ, आगे देखने को मिलेगा क्या क्या होता है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज मेरी सिस्टर चली जाएगी, कल नहीं गई थी, कल कैंसिल हो गया था, कल हम लोग जहाँ जाना था वहाँ चले गए थे, आज चली जाएंगी फाइनली, क्योंकि दिवाली तो वो अपने घर से ही करेगी, तो इसलिए आज चली जाएगी। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।